بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله मैं रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से खुसूसन कल्वाकुंतला तारक रामाराव साहब से, क्योंकि ये लोग हुकूमत के जिम्मेदार हैं और मेरी पार्टी के सुप्रीमो हैं। मैं मेरी पार्टी के सुप्रीमो से एक अदबन गुजारिश करता हूं, आज क्योंकि इस माहौल में मुसलमानों में एक बेचैनी है कि एक महीना तमाम हमने रोजा रखा है और रोजे के बाद एक दिन ईद का आता है, वो ईद का दिन एक महीने के बाद जो उजरत मिलती है उसका फल होता है और ईद का दिन बड़ा ही मुकद्दस दिन होता है। मैं रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से ख्वाहिश करता हूं, आपने एक महीना बिला किसी रुकावट के हमको बासानी से, आपने नाइट कर्फ्यू भी हालात के पेश नजर लगाया है लेकिन पूरी सहूलत पहुंचाई है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एक दिन सिर्फ 6 बजे से 8 बजे के दरमियान में हमें वक्त दिया जाए कि ईद की नमाज अदा कर ले, क्योंकि ये ईद की नमाज अल्लाह ताला की दुआओं की मकबूलियत का दिन होता है और मुसलमान बेचैनी से ईद की मौके पर खुसूसन कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ करेंगे और रियासत की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। मैं हुकूमत से इस बात की अपील करूंगा, मेरी रियासत के वजीर आला से, बाजू पड़ोस की रियासत है आंध्र प्रदेश जहां पर मस्जिद में नमाज करने का मौका दिया गया, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाइए, एक से ज्यादा जमात भी लगा लेंगे, डिस्टेंस को भी मेंटेन करेंगे, मास्क भी लगाएंगे। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं क्योंकि बाजारों में भी इतनी पब्लिक हो रही है, हालात के पेश नजर मुसलमानों में एक बेचैनी है क्योंकि 30 दिन वो लोग लगातार रोजे रखे हैं। मैं आप एक हरकियाती डायनामिक और अकलियतों के लिए मसीहा कहलाने जाने वाले अकलियती दोस्त चीफ मिनिस्टर हैं, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं केसीआर साहब, क्योंकि मैं भी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति इससे शुरू से वापसता हूं, पार्टी जब से कायम हुई मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं एक रोज, क्योंकि मुसलमानों में उलमाए कराम में तकरीबन लोगों में बेचैनी है, आप सिर्फ कुछ कंडीशन लगाकर 60 या 65 लोगों पर एक से ज्यादा जमात बनाकर 1 घंटे में 2 घंटे में इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और कोई इसमें कोई चीज नहीं होती, किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं होती, सिर्फ वहां पर अल्लाह के आगे सजदा रेज होते हैं और शुक्राना अदा करते हैं और दुआ करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं ये दुआ ये रियासत के लिए भी बल्कि मुल्क के लिए भी दुनिया के लिए भी एक बड़ी नेमत की चीज होगी, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ये दुआओं के जरिए अल्लाह कोरोना वायरस का खात्मा करेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि पड़ोसी रियासत भी दी है, आपके ऐसे कारनामे हैं अकलियतों के लिए, आपने बेहतरीन फला बहबूद का काम किया है, आपने हर शोबे हयात में मुसलमानों को शामिल किया है, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं आप मेरी बात को थोड़ा तवज्जो दें, बेचैनी की कैफियत को दूर करें और इंशाल्लाह नमाज की इजाजत दें। मैं आपसे फिर एक बार आजीजाना रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे अपील करता हूं जो मुसलमानों में जो बेचैनी है उसको दूर करते हुए एक नया गाइडलाइंस के जरिए एक नया जियो जारी करके हमें नमाज की इजाजत दी जाए। मैं दुआगो हूं कि आपकी अल्लाह ताला उम्र को लंबी और दराज करे और रियासत को तरक्की दे, अल्लाह ताला इस रियासत को इस कोरोना वायरस की बीमारी से और हर आफत व बलाइया से हमारी रियासत को और मुल्क को बचाए रखे। मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि सियासत साहब थोड़ा मेरी बात पे मुतवज्जे हो और इस बात को क्योंकि इस नाचीज की, क्योंकि मैं एक टीआरएस पार्टी का वर्कर होने के नाते मैं अपनी दिली बात को हमारी आवाम की और अखिलियतों की मुसलमानों की आवाज को आप तक अगर नहीं पहुंचाया तो लोग मुझे भी देख रहे हैं और मुझे भी रात दिन तंग कर रहे हैं लोग। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, मैं क्योंकि आपकी पार्टी का एक अपना कारकुन हूं, मैं मेरे दिल की बात आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा, मेरी कौम की बात मैं आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा, मैं मेरी पार्टी के सुप्रीमो को मेरी हरकियाती चीज को सामने रखना चाहता हूं, इसलिए मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि एक नए गाइडलाइंस में सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के अंदर नमाज कंप्लीट करने की हमको इजाजत दी जाए, बिल्कुल हम डिस्टेंस के साथ हर चीज को लॉकडाउन की हर चीज को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। जजाकल्लाह खैर, मैं दुआ गो हूं अल्लाह इस रियासत को बुरी नजर से बचाए।